बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम वेलकम टू द नाइट पोएम का लास्ट स्टांजा कर रहे हैं। आपको पता है कि ये पोएट्री जो शायरी है, शाइन्स अ लाइट ऑन द मिस्ट्री ऑफ नाइट टाइम, ये रात के राजों पे रोशनी डालने वाली एक नज़म है। आंसरिंग द क्वेश्चन, और इस सवाल का जवाब देती है, व्हाट हैपन्स, क्या जहूर पजीर होता है when we are asleep, जब हम सो रहे होते हैं, and all is dark, और हर तरफ अंधेरा होता है, and still, और हर चीज खामोश होती है, खड़ी हुई होती है। तो ये जो एक पोएम है, ये राइमिंग पोएम है। राइमिंग पोएम कहते हैं जब एक जैसी आवाजों जैसे अल्फाज पे उसका इख्तिताम होता है स्टांजा का। एंड इंट्रोड्यूसेस हाउ द नॉक्टर्नल वर्ल्ड वेक्स, के रात कैसे जागती है। तो लास्ट आंसर है, द नाइट सीज ऑफ डेपल डार्क, द नाइट इज फीस्ट ऑफ साउंड एंड स्पार्क, द नाइट इज अ वाइल्ड एनचेंटेड पार्क, वेलकम टू द नाइट। अब हम एक एक लाइन को लेते हैं और इसका उर्दू तर्जमा करते हैं। तो पहली लाइन है, The night sea of dapper dark. आपको पता है कि सी जो है वो समुंदर को कहते हैं। जिधर नजर उठाएं उधर पानी होता है, उसकी कोई हद नहीं होती। इसी तरह रात की भी कोई हद नहीं है। डेपल्ड कहते हैं डब खड़ब्बा, जैसे आप इस बॉक्स के अंदर देख रहे हैं, कहीं गहरा है और कहीं हल्का है। तो रात एक समुंदर है, डब खड़ब्बी तरीके का, यानी जिधर नजर उठाओ रात समुंदर की तरह है, और कहीं तारीकी ज्यादा है कहीं कम है। नेक्स्ट लाइन है, द नाइट इज फीस्ट ऑफ साउंड एंड स्पार्क। आपको पता है कि फीस्ट कहते हैं दावत को, जिसमें बेशुमार तरह तरह के खाने होते हैं। तो इसी तरह शायर ने नाइट को समुंदर फीस्ट दावत से तशबी दी है। साउंड कहते हैं आवाज को, यानी जैसे बेशुमार खाने होते हैं दावत में, इसी तरह रात को बेशुमार आवाजें होती हैं। जैसे आप देखने हैं स्नेल्स हैं, क्रीप करने वाली मखलूकात हैं, फिर क्रॉल करने वाली मखलूकात हैं, उनकी अपनी आवाजें होती हैं। फिर कुछ मखलूकात हैं जो बस जिनकी आवाज जब वो फड़फड़ाती हैं उस तरह से आती है। फिर रात को परिंदे निकलते हैं जो के चहचहाते हैं, चिरपिंग साउंड इनको कहते हैं। और फिर जो है वो उल्लू हैं, आउल्स हैं, जो हूट करते हैं जो रात के वक्त ही। और जैसे स्पार्क, एक चिंगारी होती है, ये आवाज़ें निकलती हैं और फौरन ही बंद हो जाती हैं, यानी आपको एक बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। तो रात एक दावत है आवाज़ और चिंगारी की, यानी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें होती हैं कि आपको उनके सुनने में बहुत मज़ा आता है। द नाइट इज अ वाइल्ड एनचेंटेड पार्क। वाइल्ड कहते हैं कुदरती, यानी जो खुद बखुद हो जाता है अल्लाह की तरफ से। और एनचेंटेड कहते हैं जादुई, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, हमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है। जैसे आपको किसी पार्क में गए और हर तरफ आपको नई तरह तरह की चीजें देखने को मिले, इसी तरह रात को शायर ने एक जादुई पाक से तशबी दी है कि जो खुद बखुद कुदरत ने हमारे लिए ये पाक बनाया है। तो इस स्टांजा में हमने देखा कि डार्क, स्पार्क और पाक, ये तीनों राइमिंग वर्ड्स हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी रात भी है, हमें इस पे गौर करना चाहिए। दिन को हम काम करते हैं, रात को सोते हैं, लेकिन बहुत सारी मखलूकात ऐसी हैं जो रात को जागती हैं और दिन को सोती हैं। तो ये अल्लाह ताला कहता है, तुम गौर व फिक्र करो, ये भी रात भी एक निशानी है। हमें अल्लाह ने जो भी दुनिया में चीज़ें बनाई हैं वो इसलिए हैं कि हम उनमें अल्लाह की कुदरतों को पहचानें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह के नेक बंदे बन के रहें। प्यारे बच्चों, अगर सबक पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।